आप देख सकते हैं हमारा सुपर पराठा बनके रेडी हो गया। आप भी एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता किचन्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सी रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बनाएंगे ढाबे स्टाइल पंजाबी पराठा जो बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे हो या बड़े, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ईजी है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए हमें चाहिए नमक, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे अजवाइन, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे अपने हथेली में हल्का सा क्रश करके डालें। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी के टेस्ट इसमें बहुत अच्छे आते हैं। हाथों पर हल्का सा क्रश करके डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच तेल। तेल डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। तेल डालने से पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, तो ऐसे ही करते हुए इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इन्हें गूंथ लें। आलू पराठे का डो लगाते समय आप एक चीज़ हमेशा ध्यान दें, हमेशा डो को सॉफ्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। हार्ड होगा तो ये फटने लगेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें, इन्हें सॉफ्ट सा डो लगा के रेडी कर लें। डो जितना ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा पराठे उतना ही टेस्टी और अच्छे बनेंगे। ये टाइट नहीं होगा और ये बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें स्टफ हो जाएगा, इसलिए आप ये ध्यान रखें और डो को हल्का सा सॉफ्ट ही बनाएं। इन्हें ऐसे ही करके गूंथ लेते हैं और आप देख सकते हैं आटा अच्छे से लगा रेडी कर लिया। हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएं और हल्के हाथों से इन्हें चारों तरफ से ऐसे ही लगा दें और ढक के इन्हें 15 मिनट के लिए रख दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए आलू को अच्छे से हमने बॉयल करके छील लिया है, तो चलिए अभी इन्हें ऐसे ही करते हुए अच्छे से मैश कर लेते हैं। इन्हें दबाते हुए अच्छे से मैश कर लें। देख सकते हैं आलू को अच्छे से मैश कर लिया। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, साथ ही थोड़ा इसमें डाल देंगे अदरक, डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन, हमने इसे कद्दूकस कर लिया, इससे टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। और अब हम डाल देंगे इसमें मसाले, साथ ही इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा, मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे मसाला, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम। स्टफिंग आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा बना सकते हैं, मसाले भी आप उसी के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी हींग, हींग से फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे जीरा आधा चम्मच, इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें जीरा पाउडर, डाल देंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने से टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं। और अब आप इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। आप चाहें तो इन्हें हाथों से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अगर टेस्ट के अनुसार यहाँ छोटे छोटे प्याज भी काट के डाल सकते हैं, प्याज को बारीक काटें और उसमें डाल लें, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। हमने यहाँ प्याज का यूज़ नहीं किया, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा स्टफिंग भी बन के अच्छे से रेडी हो गया। तो चलिए अब दूसरी तरफ आटे को भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 15 मिनट हो गया, आटा भी अच्छे से सेट हो गया। हल्के हाथों से इन्हें ऐसे ही करते हुए मसल लें ताकि और सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए पराठे बना लेते हैं। और इसे बनाने के लिए हाथों पर हल्का सा आटा लगा लें कि उनके बॉल जैसे तोड़ लें। बॉल को आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा तोड़ सकते हैं। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आटा लें, और अगर थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा आटा लें। इन्हें सूखे आटों में हल्का सा ऐसे ही लपेट लेंगे और इसके बाद इन्हें चारों तरफ से ऐसे ही कटोरी नुमा बना देंगे। आज मैं आपको दो तरीके का पराठा बताऊंगी, ताकि दो तरीके से कैसे स्टफ करते हैं। आप देख सकते हैं कटोरी नुमा बना दिया है, तो थोड़ा सा इसमें ले स्टफिंग और इसमें डाल के अच्छे से भर दें, चारों तरफ अच्छे से फैला दें। इन्हें ऊपर की तरफ ऐसे ही उठाते हुए ऐसे ही दबा लें। आप देख सकते हैं अच्छे से बंद होने लगा है, ऐसे ही घुमाते रहें ताकि अच्छे से बंद हो जाए। और जैसे ही ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर से हल्का सा ऐसे ही इन्हें तोड़ दें और नीचे की तरफ ऐसे ही करके दबा दें। आप देख सकते हैं अच्छे से बंद हो गया। देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से सील कर लिया चारों तरफ से। तो हल्का सा इस पर आटा लगाएं और दोनों तरफ से ऐसे ही कर दें ताकि इसके बेलते समय ये टूटे ना, और हाथों से हल्का सा ऐसे ही करते हुए बड़ा कर लें। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इन्हें ऐसे ही घुमाते हुए अच्छे से बेल लें। आप देख सकते हैं हमने पराठों को अच्छे से बेल लिया। अगर आप इसे और बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे बेल के थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। तो आप इन्हें एक बर्तन में ऐसे ही करके ट्रांसफर कर दें। और चलिए अब दूसरा बता देते हैं। और दूसरे तरीके का पराठा बनाने के लिए आप दो छोटे छोटे ऐसे ही बॉल बना लें और बॉल को ऐसे ही करते हुए दोनों को ऐसे ही कर लें, हल्का हल्का दबा दें इन्हें और दोनों को आटे में हल्का सा ऐसे ही लपेट लें और रोटी जैसे इसका बना लेंगे। तो चलिए दोनों को पहले रोटी बना लेते हैं। रोटी जैसे हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, हल्का सा छोटा ही रखना है। हमें इसकी रोटी ही बनानी है, पर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, हल्का छोटी ही बनानी है। ऐसे ही छोटा छोटा आप दोनों तरफ से बेल लें। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छे से हमने बेल लिया है और बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बीच में मोटा या पतला नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही करके हम दूसरा भी बेल लेंगे। ऐसे ही करते हुए इतना ही बड़ा एक और बेल लें आप।
में ऐसे ही करते हुए हमने दो रोटियां बेल लिया है, तो अब हम स्टफिंग को इस पर उठाएंगे और हल्के हाथों से चारों तरफ ऐसे इस पर फैला देंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं फैलाना है, हल्का पतला ही फैलाना है और चारों तरफ से इन्हें फैला देना है। आप ऐसे ही करते हुए इन्हें चारों तरफ फैला दें। हमने इसे अच्छे से फैला दिया, अब दूसरी रोटी लें और इस पर रख के और चारों तरफ से ऐसे ही करके सील कर देंगे। ऐसे ही दबाते हुए चारों तरफ से सील कर दें ताकि बनाते समय खुले नहीं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सील हो गया। दूसरी तरफ से उठा के भी हल्के हाथों से इन्हें चारों तरफ से ऐसे ही दबा दें ताकि एक बराबर हो जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बराबर हो गया। अब हल्का सा आटा लें, इस पर ऐसे ही छिड़क दें, ये चिपके ना बहुत ही अच्छे तरीके से, बेलने में हमको प्रॉब्लम ना हो। प्रोसेस से ऐसे ही दबाते हुए चारों तरफ से अच्छे से बेल लेंगे। ये भी पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप पराठा नहीं बना पाते या आपको बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे भी करके बना सकते हैं। आप दोनों तरीके के पराठे को अपने अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पराठे दोनों बेल के हमने रेडी कर लिया। ये अब सेक लेते हैं। इसे सेकने के लिए तवा रख दिया गर्म करने के लिए। तवा हल्का सा गर्म हो गया है। पराठों को डालने से पहले हल्का सा इन्हें ऐसे चारों तरफ से ग्रीस कर दें। आप घी या तेल अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे ही करते हुए पराठों को डाल देंगे और एक मिनट तक इन्हें ऐसे ही सिकने देंगे। तो पराठे एक तरफ से हल्का सा सिक गया तो चलिए इन्हें पलट देते हैं। सही पलट के चारों तरफ से ऐसे ही कर दें ताकि अच्छे से सिक जाए। और अब इसमें हम लगा लेंगे घी। हमने घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया था, अपने अनुसार घी या तेल कुछ भी लगा सकते हैं। ये पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं, आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और आप देख सकते हैं हल्का सा ये भी सिक गया, इन्हें दूसरी तरफ भी ऐसे ही पलट के सेम प्रोसेस है, दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगा दें। और ऐसे ही करते चारों तरफ से हम अच्छे से लगा देंगे ताकि हमारे पराठे इक्वल सीखें। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इन्हें ऐसे ही घुमाते हुए दोनों तरफ से करके ऐसे ही सेक लेंगे। हल्के हाथों से हल्का सा दबा दें। आप देख सकते हैं हमारे पराठे कितने टेस्टी बन रहे हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पराठे बिल्कुल फूल के अच्छे से रेडी हो गए हैं। और आप देख सकते हैं पराठा बिल्कुल अच्छे से सीख गया। चलिए इन्हें निकाल लेते हैं और ऐसे ही करते हुए हम अपना सेकेंड पराठा भी सेक लेंगे। और अब ऐसे ही करते हुए हम सेकंड पराठा भी डाल लेंगे। इन्हें भी एक मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। तो ये भी एक तरफ से हल्का सा सिक गया, इन्हें भी ऐसे ही करके पलट दें और इन्हें भी चारों तरफ से ऐसे ही इस पर घी लगा दें। ऐसे करके चारों तरफ इन्हें लगा दें। घी लगाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें और अच्छे से लगाएं ताकि पराठे हमारे बिल्कुल फूले फूले और अच्छे बनेंगे। कहते हैं सेकेंड साइड से भी ये भी सिक गया था, तो इन्हें भी ऐसे ही करके दूसरी तरफ लगा दें। और लगाने के बाद हल्के हाथों से इन्हें हल्का सा ऐसे ही दबा दें ताकि इसके फूलने में आसानी हो और पराठे बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल जाए। आप देख सकते हैं ये भी पराठा हल्का सा फूलने लगा है। हमारा सेकंड पराठा भी बनके रेडी हो गया, तो चलिए अभी इसे भी निकाल लेते हैं और फ्लेम को बंद कर देते हैं। देख सकते हैं हमारे पराठे बनके रेडी हो गए, तो चलिए अभी इन्हें फटाफट सर्व कर लेते हैं। और ये सर्व करने के लिए आप अपने अनुसार चटनी, सॉस, अचार या रायता आप किसी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इन्हें सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पराठे कितने लजीज बने हैं। ये बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है और बच्चे हुए बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। देख सकते हैं हमारा पंजाबी पराठा बनके रेडी हो गया जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप भी एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि मैं आपको हर रोज़ एक नई रेसिपी दिखा सकूँ। परफेक्ट पंजाबी पराठा बनके रेडी हो गया। इसके अनुसार दही पराठा, अचार पराठा, सॉस पराठा आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप अपने अनुसार किसी भी चीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं। ये कि दही के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। और अचार हमने घर पे बनाया, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे भी एक बार ट्राई कर सकते हैं।